नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो आज की वीडियो हमारी थोड़ी हटके होने वाली है। आज हम आपको बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं। हाल ही में ब्लैक फंगस के मामले में बढ़ोतरी देखी गई। कई राज्यों ने इस बीमारी को महामारी घोषित कर दिया है। इसके चलते अब इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी के मद्देनज़र आज मैं आपके लिए ब्लैक फंगस को लेकर जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कैसे ये बीमारी आपके अपने घर में पनप रही है। जी हाँ, ब्लैक फंगस आपके घर में पनप सकती है, किन किन एरियाज़ में ये पनपती है और कैसे आप अपने आप को इससे बचा सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे आज की हमारी स्पेशल वीडियो पे। चलिए बिना देरी करें शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो कोरोना की दूसरी लहर में भले ही ब्लैक फंगस का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा हो, लेकिन विशेषज्ञ फिर भी कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी बीमारी है। ब्लैक फंगस पहले भी लोगों को संक्रमित करती थी, लेकिन हाल फिलहाल में इसके मामले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ज़्यादा आए हैं। इसलिए अब लोगों में इस बीमारी को लेकर काफ़ी कंसर्न आ गया है। लेकिन दोस्तों, डरने के बजाय सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जानना के हैरानगी होगी कि आपके घर में भी ये फंगस मौजूद होती है। ये बिल्कुल सच बात है। तो आइए जानते हैं कि घर में छिपे ब्लैक फंगस को आप कैसे पहचान सकते हैं और इसके संक्रमण से बचने के लिए कौन कौन सी सावधानियां आप बरत सकते हैं। तो विशेषज्ञों की माने तो ब्लैक फंगस नमी वाली जगहों पर तेज़ी से फैलती है। ये ज़्यादातर घर के अंदर नमी वाली दीवारों पर लग जाती है और दीवारों पर फंगस लगने से पहले सीलन की बदबू आने लग जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, घर की दीवारों पर फफूंदी नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ब्लैक फंगस यहीं पे पनपेगी। विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि घर के किचन में रखी पुरानी ब्रेड या सड़े हुए फलों को, सब्जियों को बाहर फेंक दीजिए और फ्रिज में भी ब्लैक फंगस हो सकती है। इसलिए इन सभी चीज़ों की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर ही उनका उपयोग करिए और जो सब्जियां आपकी ख़राब हो चुकी हैं उनको बाहर फेंक दीजिए, नहीं तो इस बीमारी को आप अपने शरीर में दस्तक दे देंगे। विशेषज्ञ कहते हैं कि ब्लैक फंगस नमी में तेज़ी से फैलता है, इसलिए ध्यान रखिए कि घर में दरवाज़े और खिड़कियों को खोलकर ताज़ी हवा को अंदर ज़रूर आने दें और घर के अंदर जो नम हवा मौजूद है उसे बाहर निकलने के लिए क्रॉस वेंटिलेशन का उपयोग ज़रूर करें। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात कि फर्नीचर वगैरह को दीवार से सटका कर नहीं रखिए, क्योंकि ऐसा करने से उसके पीछे वाली दीवार पर फंगस पनपने लग जाती है। वहीं घर में मौजूद किसी भी तरह की फंगस की जांच कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि आप मास्क और ग्लव्स अच्छे से पहनकर फिर ही जांच करें। हो सके तो सेफ्टी गॉगल्स का भी इस्तेमाल कर लें। जब फंगस की जांच कर लें तो मास्क, ग्लव्स और सेफ्टी गॉगल्स को अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ध्यान रहे कि अगर घर की दीवारों पर या अन्य जगहों पर फंगस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो उसे हटाने के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लें ताकि आपको किसी तरह का जोखिम ना उठाना पड़े। तो इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके आसपास फंगस नहीं पनपेगी और आप इस बीमारी से सुरक्षित रहेंगे। तो ये थी हमारी आज की जानकारी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी तमाम जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहिएगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।